हे गाइस वेलकम टू शिशु वर्ल्ड सो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को बहुत भूख लगती है और तब हमें समझ नहीं आता हम उन्हें क्या दें एंड वी एंड अप गिविंग देम जंक फूड तो ये जो रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ आलू का पराठा मेरी गो टू रेसिपी है एक ही आलू का पराठा और ऐसा ही एक पनीर का पराठा होता है जो मैं फटाक से दो मिनट में अपनी बेटी के लिए रेडी कर लेती थी और ये जो है इसमें इतने कम मसाले पड़ते हैं कि ये टॉडलर्स को भी हम आराम से दे सकते हैं तो बस आपके पास अगर आधा आलू पड़ा है जो बॉइल्ड है तो उसके अंदर मैंने सिर्फ तीन मसाले डाले हैं नमक काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा का पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता है तो बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं फिलिंग है और इंस्टेड ऑफ़ गिविंग देम सम रेडीमेड मेड पैकेट जंक फूड ये हम फटाफट दो मिनट के अंदर बना सकते हैं उनके लिए तो वहाँ पे आलू की मैंने जो फिलिंग थी वो रेडी कर दी चपाती का आटा है कोई स्पेशल आटा नहीं लगाया मैंने यहाँ पे जो हमारे पास रेडी आटा रहता है अक्सर फ्रिज के अंदर वही आटा ले लिया थोड़ा सा उसको बड़ा किया और इसमें हम डाल देंगे अपनी फिलिंग ना अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं जैसे मेरी बेटी अभी बड़ी है तो मैं उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी कभी कभी डाल देती हूँ या उसमें कोई और गरम मसाला भी डाल देती हूँ पर कुछ भी मैं अलग से पका के जो टाइम कंज्यूमिंग होता है ऐसा कुछ नहीं करती तो यहाँ पे मैंने फिलिंग कर दिया है और मैं शेप के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचती हूँ क्योंकि हमें फ़टाफट बनाना है और यूजली अगर हम दो मिनट रख देते हैं पराठे के की लोई को स्टफ़ करने के बाद तो वो ज़्यादा अच्छा मिलता है पर यहाँ पे मैं इमीडिएटली बना रही हूँ और आप देखेंगे कि उतना अच्छे से नहीं गोल बन रहा है दैट्स ओके माई डॉटर डजेंट केयर आई एम श्योर अ स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो डजेंट केयर एज़ लॉन्ग एज इट इज़ टेस्टी और हम खुश हैं क्योंकि ये हेल्दी भी है और घर की बनी हुई चीज़ है और इसके लिए मैं हमेशा घी का इस्तेमाल करती हूँ आई ट्राई टू यूज़ एज़ मच घी एज पॉसिबल इन माई डॉटर्स फूड और मैंने देखा है कि एक्चुअली घी यूज़ करने से उसकी ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर पड़ा है तो बस यहाँ पे मेरा तवा गरम है उस पे मैंने डाल दिया हमारा बिला हुआ पराठा और जैसे ये थोड़ा सा सिक जाएगा हम इसको पलट देंगे और उसके बाद इसको घी के साथ रोस्ट कर लेंगे बच्चों के खाने में हमें घी में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए ऑफ uh, कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ घी मक्खन हम दे सकते हैं uh, ये होममेड बटर है मैं घर पे बनाती हूँ मलाई से और मैं मक्खन भी घर पे बनाती हूँ और uh, मेरी बेटी को बहुत पसंद है एंड ट्रस्ट मी जो हम अमूल का बटर लाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनता है तो अगर आपको देखना है कि मैं कैसे बटर बनाती हूँ uh, जो बिल्कुल अमूल जैसा बनता है तो कमेंट uh, करके मुझे बताइए आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस तो बस यहाँ पे हमने इसको अलट पलट करके अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया घी लगा दिया और ये फटाफट एक स्नैक तैयार हो गया जो uh, मे जिसके लिए मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा और मुझे पता है कि ये कोई जंक नहीं है सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आई नो बहुत ही सिंपल रेसिपी थी पर यही आइडिया था इस वीडियो के पीछे कि ज़रूरी नहीं है कि क्विक फूड होने के लिए हमें उस कोई तो पैकेट को खोलने की ही ज़रूरत है सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग अपना इस पैंडेमिक के दौरान अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए बाय विल सी यू अगेन वेरी वेरी सुन